जब हमारे पास कैडेट्स आते हैं और स्क्रीनिंग पर्पस यानी डे वन में जो स्क्रीनिंग होता है उसमें आउट हो जाता है, तो उनके पास एक बड़ा अजीब सा एम्बिग्यूटी रहता है इसमें कि क्या करें, क्यों हो गए, फेल क्यों हो गए, फेल होने का रीज़न क्या, या क्या करना चाहिए था कि जिसमें हम फेल नहीं हूँ। मैं सबसे ज़्यादा इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी मानता हूँ कि कैडेट्स के अंदर दो चीज़ों की कमी हो। दो चीज़ कौन सी है अगर मैं कहूँ उसको, तो आइडियाज़ एंड इमेजिनेशन। ये दो ऐसे पिलर्स हैं जिसके बेसिस पर आप जो है स्क्रीन आउट हो जाते हैं। दोनों वर्ड्स को अगर आपने क्लियरिटी के साथ समझ लिया तो मेरे हिसाब से आप जो है बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे अपने डे वन स्क्रीनिंग में। स्क्रीनिंग आपका एक तरह से सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एसएसबी होता है, बिकॉज विदाउट क्लियरिंग योर फर्स्ट फेज यू कैन नॉट एंटर इनटू द एसएसबी प्रोसेस, जो कि आपके साइकोलॉजी जीटी और पर्सनल इंटरव्यू से मिलकर बना होता है। तो ऐसा क्यों होता है कि स्क्रीन आउट हो जाता है, क्योंकि ज़्यादातर कैडेट जो है जो आर्टिफिशियली खुद को ट्रेंड करना चाहते हैं और कहते हैं कुछ स्टोरी बना के रट लेंगे और जाके उसको डिस्प्ले कर देंगे, तो इसमें क्या होता है कि वो आउट हो जाते हैं। उनको लगता है कि मैंने अच्छा स्टोरी बना ली इसलिए मुझे वो सेलेक्ट कर लेंगे, जबकि रियलिटी ये है कि आपको जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे उस इंस्ट्रक्शंस को आपने फॉलोअप नहीं किया। अगर मान लीजिए मैं आपको बताऊँ, एक इमेजिनेशन दूँ कि एक बच्चा सिर्फ सोच रहा है, अ बॉय सिटिंग ऑन द टेबल एंड ही थिंक समथिंग, तो आपने लिखा है कि वो बच्चा जो है फुटबॉल खेलने के बारे में सोच रहा है, उसने लास्ट में गोल कर दिया और ऐसा वैसा, यानी कि पूरा आपने स्टोरी का फोकस जो है एक स्पोर्ट्स में डाल दिया जो कि उस इमेज को किसी भी तरह से सपोर्ट नहीं करता। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो आइडियाज़ एंड इमेजिनेशन है उसका एक बैलेंस ही नहीं होता। तो सबसे पहले मेरे आपको एक सजेशन होगा कि आइडियाज़ और इमेजिनेशन को सबसे पहले एक बार समझ लीजिए क्या होता है। व्हाट यू मीन बाय आइडियाज़ एंड व्हेन आई से इमेजिनेशन, तो कैसे डिफ्रेंशिएट करें इसको। आइडिया का मतलब होता है जो आपके लाइफ अभी तक के लाइफ स्पेन में अभी तक कोई ऐसे इवेंट्स हैं जिसको आपने फेस किया हुआ, और इमेजिनेशन ऐसा है जिसको शायद आपने अभी तक फेस नहीं किया हुआ, आप उसके बारे में लेकिन कुछ सोच सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आपको कोई स्कूल का इमेज दिखाया जाए, तो स्कूल में तो आप गए होंगे, तो आपके पास वो आइडियाज़ हो, तो आइडियाज़ वो होते हैं जो अभी तक के आपके एज के जो भी लाइफ पीरियड है उसमें कभी ना कभी वो इवेंट का कहीं ना कहीं सिंक्रोनाइजेशन हुआ, और इमेजिनेशन वो है कि जिसके बारे में आपके पास सिर्फ और सिर्फ अपना एक ओपिनियन है जिसको आपने कभी फेस नहीं किया। तो आपसे अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि अभी आप स्टडी कर रहे हैं और आपको जो है आर्म फोर्सेस की स्टोरी लिखनी है, तो आपको क्या लगता है, ये आइडिया है कि इमेजिनेशन है? इमेजिनेशन है। और आपको स्कूल की स्टोरी लिखनी है तो क्या होगा? ऑब्वियसली आइडिया। तो आइडियाज एंड इमेजिनेशन को एक मैंने रफ आइडियाज के साथ थोड़ा सा बताया। तो जनरली देखता हूं मैं कि कुछ स्टूडेंट जो है जब इमेजिनेशन को लिख रहे होते हैं तो उनके पास रैशनल अप्रोच, लॉजिकल अप्रोच की काफ़ी कमी हो जाती है, क्योंकि आइडियाज़ में तो आपके पास अप्रोच रहते हैं कि स्कूल में 9th के बाद 10th ही होगा, 10th के बाद 12th ही होगा, लेकिन जब इमेजिनेशन में जाते हैं तो ये लॉजिक उनका काम नहीं करता। फॉर एन एग्जाम्पल, एक बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल लूँगा, शायद आप उसको समझ पाएं। जैसे कि वो लिखते हैं कि राम इज़ वर्किंग विद इंडियन आर्मी एज असिस्टेंट कमांडेंट, तो अब यहाँ पर देखेंगे कि इंडियन आर्मी में असिस्टेंट कमांडेंट पोस्ट होता ही नहीं, लेकिन वो लिख रहे हैं असिस्टेंट कमांड, क्यों भाई? क्योंकि वो इमेजिनेशन में उसको लॉजिकली कन्विंस नहीं कर पा रहे। ये ऐसे लिख रहे होते हैं स्टोरी में कि राम हु इज न्यूली रिक्रूटेड इन आर्म फोर्सेज एंड पोस्टेड इन जम्मू एंड कश्मीर एज ए कंपनी कमांडर, और ही वॉज लीडिंग हिज 4 ट्रूप मेंबर्स। तो यहां पर एक क्वेश्चन बनता है इसमें कि आर्म फोर्सेस की रियलिटी ये है कि जब आपको न्यूली रिक्रूट किया जाता है तो आपको कंपनी कमांडर बना ही नहीं जाता। तो इट मींस कि आपने जो स्टोरी लिखी है उसका लॉजिक ग्राउंड नहीं। तो हमें ध्यान रखना होगा कि जो भी हम अपने इमेजिनेशन पर स्टोरी को प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसका अगर लॉजिकल एप्टीट्यूड मिसिंग होगा तो जाहिर सी बात है फॉल्स स्टोरी। तो हमें कोई भी ऐसी स्टोरी नहीं बनानी है जिसके बारे में हमारे पास आइडियाज ही ना हो। तो कहने का मतलब है आप किसी आर्म फोर्सेस की स्टोरी बनाते हैं और उसकी जॉब प्रोफाइल के बारे में जानकारी नहीं, ड्यूटी कल्चर के बारे में जानकारी नहीं, और कुछ ऐसी बातें लिखते हैं जो आपको अच्छा लगता है। तो आपको क्या लगता है कि इस बेसिस पर आपको सिलेक्शन करना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो पहला रीज़न ये हो गया आइडियाज एंड इमेजिनेशन के रीज़न में स्टूडेंट जो है डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि उनको लिखना क्या चाहिए। तो सबसे पहला मेरा सजेशन होगा कि आप अपने आइडियाज अप्रोच को ज़्यादा रखें। जब भी किसी स्टोरी में आपको इमेज क्लैरिटी से दिख रही है या उसमें क्लियर होने के चांसेस हैं तो आपके वो आइडियाज़ को चेक कर रहे हैं, यानी आइडिया क्या बना सकते हैं। लेकिन स्टोरीज अगर ब्लर है या हेजी है, अनक्लियर है,
तो फिर आपसे उम्मीद की जाती है कि आप अपने इमेजिनेशन पावर का यूज़ करें। इमेजिनेशन पावर का जब भी यूज़ करेंगे तो ध्यान रखेंगे कि वो आपका एक लॉजिकल ट्रेड पर होना ही होना चाहिए। अब आप कहेंगे कि सर क्लियर पिक्चर अच्छा है, आसान होता है कि जो ब्लर होता है वो आसान होता है, क्योंकि स्क्रीनिंग के टेस्ट में ज़्यादातर इमेजेस जो होती हैं वो ब्लर होती है ज़्यादातर, लेकिन थोड़ी सी क्लैरिटी भी होती है। तो मेरे हिसाब से ब्लर इमेजेस जो है वो ज़्यादा आसान होती है, क्योंकि इसमें आपने जो भी स्टोरी बनाई है आपका साइकोलॉजिस्ट इस बात को कन्विंस कर लेता है कि भाई ऐसा है कि इमेजिनेशन जो भी मैंने स्टोरी प्रोजेक्ट की थी उसमें स्टूडेंट इज फ्री टू राइट हिज ओन ओपिनियन। लेकिन जब पिक्चर क्लियर है तो इंस्ट्रक्शंस भी क्लियर है कि आपको वही लिखना है, आप रिस्ट्रिक्टेड हैं, तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटीज़ है ब्लर इमेजेस में कि आप जो है कुछ ऐसे स्टोरीज को लिखिए जिसमें आपके लॉजिकल ग्राउंड पर वो स्टोरी कन्विंस कर रही। लेकिन जब इंस्ट्रक्शन क्लियर होगा, जिसको हम कहते हैं इमेज क्लियर था, तो फिर आपके पास ये फ्रीडम नहीं है, नाउ यू आर रिस्ट्रिक्टेड टू राइट ओनली दोज पार्ट विच आर इवन इंस्ट्रक्टेड टू यू इन द फॉर्म ऑफ इमेज। इस बात को कभी नहीं भूलिएगा, रिजेक्शन का सबसे बड़ा रीज़न होता है ये कि अगर आपने जो है आइडियाज़ इमेजिनेशन को अगर आपने सबसे पहले नहीं समझा या उसको क्लासीफाई नहीं किया या इसके ऊपर आपने स्टोरी राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं की है, तो फिर आप जो है स्क्रीनिंग भी पास कर पाएंगे। सभी जानते हैं कि क्या लिखना है, लेकिन कैसे लिखना है और कब लिखना है ये नहीं जानते। इसलिए मेरा आपको सजेशन है, क्योंकि बहुत सारी अभी इंट्रीज आ रही हैं, NDA के भी कुछ कैंडिडेट्स हैं हमारे पास, TES के भी इंट्रीज हैं, जो स्टूडेंट जा रहे होते हैं उनको लगता है कि स्टोरी लिखने से सिलेक्शन होगा, और मेजॉरिटी ऑफ कैंडिडेट्स डे वन में आउट हो जाते हैं और उनके पास उसके पास आंसर नहीं होता, दे आर नॉट आंसरेबल। उनको ये भी नहीं पता चला कि उनका रिजेक्शन हुआ था, और जब उनसे स्टोरी कभी पूछ लेंगे कि व्हाट वाज द स्टोरी दैट यू हैड रिटन, तो कहते हैं माय स्टोरी वाज दिस। क्या इमेज क्लियर था? सर इमेज क्लियर था, इमेज क्लियर नहीं था। तो इमेज अगर क्लियर नहीं होगा तो मेरा सजेशन है कि आइडियाज़ के ऊपर स्टोरी लिखना चाहिए। इमेज क्लियर नहीं है तो आपके पास आइडियाज़ जो आपने किया है वो लिखना है ना आपको, फिर इमेजिनेशन क्यों? स्टोरी क्लियर नहीं है तो आप खुद है ना हीरो, फिर अपने आइडियाज़ के बारे में लिखिए। और पिक्चर अगर क्लियर दिख रहा है आपको तो जाहिर सी बात है अगर आर्म फोर्सेस का दिख रहा है तो आप आर्म फोर्सेस में हो नहीं सकते हैं, फिर तो इमेजिनेशन में ही जाएगा। तो ज़्यादातर स्टूडेंट जो है इस तरह से अपने आप को प्रोजेक्ट करते हैं कि मैं कुछ भी लिखूंगा चलेगा। सोचने का तरीका बड़ा बेसिक है इसमें, अगर स्टोरी हेजी है तो फिर आपको आइडियाज़ के ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि आपने वो एक्शन लिया होगा। अगर स्टोरी में इंस्ट्रक्शन यानी इमेज क्लियर है आपको और क्लियरिटी में आप स्कूल या कॉलेज लाइफ को नहीं प्रोजेक्ट कर पा रहे हैं, या मान लीजिए किसी प्रोफेशनल स्किल्स से डिमांड कर रहा है वो, या किसी आर्म फोर्सेस की डिमांड कर रहा है, तो फिर ये आपकी इमेजिनेशन पर बनेगा, और इमेजिनेशन तभी आपको यूज़ करना चाहिए, क्योंकि आपका एक्शन का लॉजिक तभी ज़्यादा बढ़िया होगा जब आप उसको अपने पास्ट इवेंट के साथ जोड़ के दिखा पाए। तो सबसे बढ़िया सजेशन मेरा यही है और इसी के ऊपर आपको प्रैक्टिस करना है। और बहुत सारे बच्चे जो स्क्रीन में फर्स्ट स्टेज तक क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, उनके पास फिर भी आइडिया नहीं रहता है कि वो क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि एक्चुअली स्टोरी राइटिंग जो स्किल होता है ना वो अच्छी स्टोरी लिखने के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं, और ये भूल जाते हैं कि हमें स्टोरी लिखना ही नहीं है, हमें स्टोरी के एक बेसिक फॉर्मेट को पता करना है। बाद की क्लास में मैं बताऊँगा कि स्टोरी लिखने में या कैसे आपका एसेसर पकड़ लेता है कि ये लड़का ट्रेंड है कि नहीं ट्रेंड है, कैसे कोई पकड़ लेगा आपको कि आपने आर्टिफिशियल ट्रेनिंग ली है कि आप एक नेचुरल प्रोडक्ट। अगर मैं आपसे कहूं, ध्यान से सुनिएगा, आंसर आपको देना, अगर मैं आपसे कहूं आप एक मार्केट में प्रोडक्ट लेने जा रहे हैं, ठीक है, आप दूध ही लेने जा रहे हैं, मान लीजिए मिल्क तो सभी कंज्यूम करते हैं, अगर आपसे कोई कहे कि मिल्क जो है आर्टिफिशियली तैयार किया गया और कोई कहे ये मिल्क नेचुरल है, दोनों में से क्या लेंगे? दोनों ही ऑप्शन आपके पास है, आई एम डैम श्योर कि आप कहेंगे मुझे नेचुरल मिल्क चाहिए। अगर आप वही वेजिटेबल्स की बात करें और कहें ये फर्टिलाइजर देकर बनाया गया है और ये नेचुरल वेजिटेबल है, तो फिर क्या लेंगे? तो आप कहेंगे नेचुरल लेंगे। तो आप ये क्यों भूल जाते हैं कि आपका सेलेक्टर जो होगा, जो एसेसर होगा, वो आपके अंदर का नेचुरल क्वालिटी देखना चाहता है, आर्टिफिशियल ट्रेंड क्वालिटी नहीं देखना चाहता। और आप सोचते हैं कि मैं तैयारी करके जाऊँगा और मैं पास हो जाऊँगा, वॉट रबिश। आप ये क्यों भूल जाते हैं कि आपकी उसकी जगह पर आपको बैठा दिया जाए और कहा जाए कि ये आर्टिफिशियल ट्रेंड है, इसको लेना चाहिए कि नेचुरल को लेना चाहिए, तो आप कहेंगे नेचुरल को लो ना फिर। तो आप किस गलत फहमी में खुद को आर्टिफिशियल होकर तैयार करना चाहते हैं? माई सजेशन इज टू बी लाइक दिस ओनली,
डू नॉट ट्राई टू लर्न इट. आपको वैसा बनना चाहिए ना, आपको बनना होगा, क्योंकि आर्टिफिशियल तो आप खुद भी सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं अपने आपको. आप आर्टिफिशियल तो सिंथेटिक मिल्क भी नहीं खरीदते हैं, और फर्टिलाइजर वाले आप वेजिटेबल्स भी नहीं खरीदते. और आर्टिफिशियली ट्रेंड स्टूडेंट जो होगा, जाहिर सा बात है, अगर ऑफिसर बन गया तो गलत डिसीजन लेगा, क्योंकि वो प्रेशर में डिसीजन नहीं ले पाएगा. तो जाहिर सा बात है, आर्टिफिशियल होकर कभी भी सिलेक्शन होगा ही नहीं. SSB इज द टफेस्ट एग्जामिनेशन और इंटरव्यू बोर्ड ऑफ दिस कंट्री. और इसका रिस्पेक्ट यही है कि आप कुछ भी कर लीजिए, अगर आपने क्वालिटी है तो होगा, और नहीं है तो नहीं हो, सीख कर तो बिल्कुल नहीं हो. इसलिए द ऑप्शन इज ओनली योर्स, वेदर यू वॉन्ट टू बी और यू डोंट वॉन्ट टू बी. बनना चाहते हैं तो आपको सारी चीज़ों की प्रैक्टिस करते रहना होगा. कुछ लोग कहते हैं मैंने कर लिया, कर लिया तो क्या हो गया, वो क्वालिटीज ऑफ में रिटेन होनी चाहिए. अगर एक आंसर में आपको मैं पूछूं कि इंटेलिजेंट कंपोनेंट को कोई प्रोजेक्ट करना चाहता है, इंटेलिजेंट यानी कि ब्रेन की क्वालिटी है आपकी इंटेलिजेंस, और वो कहे कि आई वॉज टॉपर ऑफ माई मैट्रिकुलेशन, या आई स्टूड फर्स्ट इन माई टेंथ, ये स्टेटमेंट अपने आप में ही क्वेश्चनेबल. क्वेश्चनेबल कैसे है, क्योंकि टेंथ तक आपकी एकेडमिक्स होती नहीं है, ट्वेल्थ तक होती है. तो आपने कहा कि अगर मैं स्कूल में नाइन्थ में एट्थ में क्लास में टॉपर था, तो आपने जब अपने पास्ट रिकॉर्ड में जो फाइनल रिकॉर्ड से पीछे की बात की, तो आपने उस क्वालिटी को इनडायरेक्टली खुद ही कह दिया कि आई कॉम्प्रोमाइज विद द क्वालिटी लेटर ऑन. अगर आपने कहा कि 5 साल पहले मैं फुटबॉल खेलता था, 5 साल पहले मैं क्रिकेट खेलता था, यानी कि आपने इनडायरेक्टली ये बताया कि अभी मैं नहीं खेलता हूँ, तो आपको खुद सोचना चाहिए कि आपका एसेसर ये क्वेश्चन को क्यों दे रहा है. आपका एसेसर ये क्वेश्चन को दे रहा है कि आप में स्पोर्ट्समैनशिप अभी है कि नहीं, पहले थी कि नहीं, उससे कोई मतलब नहीं. पहले की क्वालिटी अभी खराब हो चुकी है ना. ये उसी तरह से है कि एक इन्वर्टर की बैटरी ली आपने और 3 महीने तक आपने इसको रख दिया कहीं पर, वो डिस्चार्ज हो गई. द क्वालिटी दैट वॉज प्रेजेंट इन यू, नाउ इट इज एबसेंट. And in the absent state of the qualities, you are not expected to be in. तो आप अभी qualities के absence में आप सोचेंगे कि मैं तैयार करके जाऊंगा, तो that is not possible. दूसरी important और foremost thing ये है आपकी कि क्या हम कितने देर की तैयारी करेंगे जैसे हम पास हो जाए. जिस भी exam में interview का weightage बहुत ज़्यादा नहीं होता, उसके लिए कम समय में तैयारी की जा सकती. इनफैक्ट मैं कहूँगा सिविल सर्विसेज के इंटरव्यू में भी 10-15 दिन की तैयारी काफ़ी होगी, क्योंकि इसका वेटेज जो है आपके रिटन मार्क्स में पहले ही से डिसाइड हो जाता है. इंडिया का कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें कि 50% रिटन 50% इंटरव्यू के मार्क्स हो, दैट इज ओनली SSB. और हद तो तब हो जाती है कि बिना रिटन पास किए भी आप ऑफिसर बन सकते हैं डिफरेंट एंट्रीज से, जिसका नाम है TSNT इंटरमीडिएट लेवल पर और ग्रेजुएशन लेवल पर. NCC एंट्री को कॉमन एग्जाम्पल लिया मैंने, और भी बहुत सारी एंट्रीज हैं. यानी कि आर्म फोर्सेस को रिटर्न के बेसिस वाले ऑफिसर सिर्फ नहीं चाहिए, लेकिन बिना इंटरव्यू के ऑफिसर तो बन ही नहीं सकते. ऐसा कोई एग्जाम सोच के बताइए, है ही नहीं. तो आपको अब सोचना होगा कि मुझे तैयारी अपनी करनी कैसे चाहिए. तो जाहिर सी बात है, आपको तैयारी करने के लिए मॉक टेस्ट वाली चीज नहीं चाहिए. यहां पर आपको अपनी क्वालिटीज के ऊपर जो है अपने बिहेव फॉर्म को डेवलप करना होगा. Regularly you people are expected to inculcate the different domain of the qualities. आप कहेंगे सर क्वालिटी क्वालिटी बोलते बोलते 15 क्वालिटी है, रट तो लेंगे आराम से, 4 ही तो फैक्टर है हमारे पास, ब्रेन फैक्टर, हार्ट फैक्टर, गट्स फैक्टर, लिम फैक्टर, कौन सा बड़ी समस्या है. समस्या क्वालिटी जानने की नहीं है, समस्या यह है कि क्वालिटीज आपके बिहेव फॉर्म में रिफ्लेक्ट हो रहा है कि ना. आप लोग 10th के बाद जब आप NDA जैसी तैयारी के लिए बात करते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है ग्रेजुएशन के बाद तो CDS हो जाता है, तो इस एग्ज़ाम के बाद आप कितना ज़्यादा डेडिकेटेड होते हैं एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए. लेकिन मेजॉरिटी ऑफ केसेस में देखता हूँ मैं कि स्टूडेंट को इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि रिटर्न पास करने के बाद होगा क्या, जबकि 80% स्टूडेंट तो Day 1 स्क्रीनिंग में ही निकल जाते हैं. इतना बड़ा वॉल्यूम रिजेक्शन का होता है Day 1, साल भर 2 साल की मेहनत एक दिन में आउट हो जाती. इसलिए मैंने आपकी क्लास की शुरुआत सिर्फ स्क्रीनिंग से की है.
इस गलत फहमी में रहना है कि मैं कर लूंगा, ये शायद गलत फहमी भी होगी या ओवर कॉन्फिडेंट भी होगा, दोनों को आपको जस्टिफाइड करना होगा कि भाई ये बात सही है कि नहीं। और बात सही होती कब, जब आपको लगे कि ये बात हो जाएगा, तो इसको साबित करने के लिए आपको इसको ग्रुप के साथ अपने टेस्टिमोनियल्स में जाना चाहिए कि भाई ये बात मैं कह रहा हूँ देखो हो रहा है कि नहीं, मैं कन्विंस कर लूँगा देखो मेरे फ्रेंड से कन्विंस हो रहा है कि नहीं। यानी कि आपको अपने एक्शन प्रोसेस को कंटिन्यूटी में डालना होगा, इससे क्या होगा आपको पता चल जाएगा कि जो मैं मानता हूँ वो बात हो रही है बहुत बढ़िया, नहीं हो रही है और गलतियाँ करो फिर सीखने का मिलेगा इसमें। लेकिन साइलेंट हो जाओगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा, नाइदर यू गेन नॉर यू लूज, आप बिल्कुल साइलेंट हैं। तो ऐसी जगहों पर आपको आपके दिमाग की शुरुआत होनी चाहिए कि भाई ऐसा है मैं मान के चलूँगा कि मैंने अपने आप को ऑफिसर मानना है और उस लेवल पर अपने डिसीजन को सेट करना। छोटे बच्चों में खासकर एक चीज़ देखी है मैंने, NDAs खासकर लेवल पर, उनमें बहुत लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस की कमी रहती है। वो ऐसा मान लेते हैं कि अभी तो मैं बच्चा हूँ और कुछ अभी तक मेरे पास मैच्योरिटी नहीं और मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि हमारे देश में सबसे सुपीरियर पोस्ट जो होते हैं वो सिर्फ NDA कैडेट्स को ही मिलते हैं। यानी कि आपको जो ट्राई सर्विसेज में एंट्री में जाने का मौका मिल रहा है, यानी कि आपके पास जो आपका लेवल ऑफ क्वालिटीज़ होना चाहिए वो हमेशा ही मोर देन अबव देन एवरेज होना ही चाहिए। तो कभी मत मानिए कि मेरा सिलेक्शन इसलिए नहीं होगा कि मैं भी छोटा हूँ, मैं भी 11th या 12th में हूँ। सोचना चाहिए कि मैं अभी 12th में हूँ और जिस दिन मैंने एग्ज़ाम पास किया ये 24-25 साल वाले जो CDS वाले हैं ना, ये मेरे को सल्यूट करने वाले हैं आने वाले दिन। जब तक ऐसी सोच नहीं बनाओगे तब तक फिर आपका कोई भला वाला नहीं होगा, फिर आप जो है मोटिवेशन लेक्चर सुनकर जो है खुश रहिएगा। और यहाँ पर मोटिवेशन से क्वालिटीज़ होती नहीं, हमेशा इस बात का ध्यान रखना।